और आपको सीधे हिसार ले चलते हैं, जहां पर इनसो के स्थापना दिवस समारोह पर अजय चौटाला बोल रहे हैं। अवसर पर हिसार की अनाज मंडी की इस पावन पवित्र धरा पर मेरे समक्ष उपस्थित हरियाणा प्रदेश, साथ लगते राजस्थान, चंडीगढ़ और दिल्ली से आए एनर्जेटिक नौजवान साथियों, मैं आप सबका इस आयोजन में जोश और उत्साह के साथ पहुंचने पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। आज से 21 वर्ष पहले इनसो का जो पौधा हमने कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर लगाया था, मुझे ये कहते हुए गर्व और फख्र होता है कि आज वो पौधा अपने यौवन पर है। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, उस वक्त के बहुत सारे साथी जो इनसो के स्थापना दिवस के अवसर पर मेरे साथ हुआ करते थे, आज पार्टी के राष्ट्रीय संगठन में, प्रादेशिक संगठन में, युवा के संगठन में मौजूद है। और छात्र राजनीति से जो नौजवान पार्टी का दामन थामने का काम करते हैं, वो बहुत लंबे चलते हैं। इनसो ने जिस उम्मीद विश्वास के साथ ये पौधा लगाया था कि हम हरियाणा प्रदेश के ही नहीं, देश के उन नौजवानों को जिनको दूसरे राजनीतिक दल अपने मकसद के लिए यूज करते हैं और जब मौका आता है तो फिर उनको कहते हैं कि तुम्हारा काम राजनीति करना नहीं है, तुम पढ़ाई करो। मैंने उस वक्त जब इस पौधे की स्थापना की थी तब कहा था हम उस मकसद से प्रदेश के युवाओं को, देश के युवाओं को राजनीति में लाने का काम नहीं करेंगे कि हम सिर्फ अपने मकसद का हल करें। हम उन नौजवानों को मौका देंगे कि वो छात्र राजनीति के साथ साथ बड़ी राजनीति में भी पद स्थापन करें, अपने योग्यता के बलबूते पर आगे बढ़ें, और जिनको और मौका कोई नहीं देता उनको हम मौका दे करके आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज आपके सामने बहुत सारे ऐसे साथी मंच पर मौजूद हैं। मैं मंच आसीन जननायक जनता पार्टी के हमारे हरियाणा प्रदेश इकाई के अध्यक्ष माननीय सरदार निशान सिंह जी का, पार्टी के हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जिंदाबाद बड़े भाई डॉक्टर केसी भांगड़ जी का, हरियाणा के यशस्वी उप मुख्यमंत्री और आपके नौजवान साथी अजीज दुष्यंत चौटाला का, आपके इनसो के रहे पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी के महासचिव अजीज दिग्विजय चौटाला का, अब मौजूदा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप देसवाल जी का, हमारे राष्ट्रीय संगठन सचिव राजेंद्र लेतानी जी का, हमारे बरवाड़ा के विधायक भाई जोगीराम जी सिहाग का, हमारे हरियाणा सरकार के मंत्री अनूप धानक जी का, हमारे अमरजीत ढांडा जी विधायक जोलाना का, युवा के हमारे अध्यक्ष भाई रविंद्र सांगवान जी का, महिला शाखा की अध्यक्षा शीला भांड जी का, युवा के हमारे राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष प्रदीप मेहरिया जी का,
इनसो के हमारे हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष अजय राव जी का और पार्टी के तमाम वरिष्ठ साथियों का भी मंच पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। आज इन सब लोगों के सहयोग से आपने ये आयोजन किया। अजीज दिग्विजय सिंह ने, इसकी टीम ने, प्रतीक के साथियों ने, प्रदीप देसवाल जी के साथियों ने जो संघर्ष स्थल आप लोगों के लिए चुना, मुझे ये कहते हुए अफसोस होता है कि वो बहुत छोटा पड़ गया। जितने लोग आप सामने मौजूद हो, इससे तो कहीं ज़्यादा लोग सड़कों पर है। आगे से हम इस तरह की व्यवस्था, अव्यवस्था आप लोगों को नहीं होने देंगे और समुचित व्यवस्था करने का मैं नौजवान साथियों से कहूँगा कि वो आगे से इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि गर्मी और उमस का माहौल है। आप लंबे समय से यहाँ पे मौजूद हैं। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने, पार्टी के वरिष्ठ साथियों ने बहुत सारी बातें आपके समक्ष रही है। मैं उन बातों को दोहरा करके आपका समय जाया नहीं करना चाहूँगा। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, आज से 4.5 वर्ष पहले जिस जननायक जनता पार्टी का गठन हमने किया था, उस वक्त लोग कहते थे ये तो छोरों की पार्टी है, कोई कहते थे ऐसे ही टोल इकट्ठा हो रखा है। परंतु आपने 4.5 वर्ष में ना केवल पार्टी के संगठन को धरातल तक पहुंचाने का काम किया, हरियाणा प्रदेश के गांव-गांव में उसको संगठन को खड़ा किया। उसी का परिणाम रहा कि आपके इस होनहार नौजवान दुष्यंत चौटाला ने, जहां सब आपके सहयोग से 17.5% वोट हासिल किए, वहीं 10 विधायक अपने साथ चुन करके हरियाणा प्रदेश की असेंबली में लेकर के गया और उन 10 विधायकों की बदौलत की राजभाग में आपकी हिस्सेदारी हुई। और जो लोग हमें छोरों की पार्टी कहते थे, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि आप तो 100-100 साल पुरानी पार्टियाँ हैं, आपने 10 वर्ष में दिल्ली के सबसे नज़दीक प्रदेश हरियाणा, आपके 3-3 प्रदेश अध्यक्ष बदल गए, 5-5 प्रभारी बदल गए, आज तक तो आप हरियाणा प्रदेश में अपना संगठन भी नहीं खड़ा कर पाए।